खबर आपको बताते हैं, बड़ी खबर है कि सांबा के विजयपुर में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई है। ड्रोन से गिराकर पैकेट में मिले हथियार, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, आईडी, बैटरी बरामद की गई है। बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। पाकिस्तान से आए ड्रोन ने फेंका था ये पैकेट, इस वक्त की बड़ी खबर अनु। बिल्कुल, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है गायत्री कि ड्रोन के जरिए साजिश रचता है पाकिस्तान, सीमा को उस पार से ये साजिश रची जाती है, लेकिन हर बार ये साजिश नाकाम होती है हमारे सुरक्षा बलों के जरिए, उनके चाक चौबंद व्यवस्था के जरिए। देखिए, एक बार फिर ऐसा ही हुआ, सांबा के विजयपुर में पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया गया। ड्रोन से पैकेट गिराए गए थे और इन पैकेट्स में हथियार थे, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, आईडी, बैटरी बरामद की गई, कैश भी यहां मिला है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए कौन कौन सा सामान बरामद हुआ है, कितनी बड़ी साजिश थी पाकिस्तान की तरफ से, सांबा से ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं, ड्रोन से गिराए गए ये पैकेट जिनमें हथियार मिले हैं, 2 पिस्टल मिली है, 4 मैगजीन और ये कैश भी। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली 4 मैगजीन, आईडी, बैटरी भी बरामद की गई है, भारी मात्रा में कैश बरामद, पाकिस्तान से आए ड्रोन ने फेंका था ये पैकेट। और हमारे सहयोगी गुरसिमरन सीधे हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। गुरसिमरन, एक बार फिर ये साजिश नाकाम हो गई है, कई बार ऐसा हुआ है कि सीमा पार से ऐसी साजिश होती है और हर बार नाकामी मिलती है, इस बार क्या कुछ मिला है? देखिए, हमारे साथ एसएसपी सांबा अभिषेक मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या क्या रिकवरी हुई है? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज सुबह लगभग 6:15 के बीच पुलिस स्टेशन विजयपुर को एक सूचना मिली लोकल नागरिक से, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने खेत में एक सस्पेक्टेड चीज देखी है, तो उसको एसएचओ विजयपुर और उनकी टीम ने गंभीरता से लिया। वो तुरंत मौके पे आए, उन्होंने देखा कि एक वुडन सील पे एक पैकेट उनको मिला। उसके बाद हमने बॉम डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पे बुलाया और जब उसको खोल के देखा गया तो उसमें लगभग 5 लाख रुपए इंडियन करेंसी मिली है, जो 10 बंडल थे 500 के। उसके बाद 2 चाइनीज पिस्टल, उसके साथ 4 मैगजीन, लगभग 60 राउंड्स मिले हैं और डेटोनेटर और एक 2 IEDs भी हमें मिली हैं, अलग से जो असेंबल नहीं थी उसकी हमने आगे की कार्रवाई शुरू की है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो केस है क्रॉस बॉर्डर ड्रोन ड्रॉपिंग का एक कंसाइनमेंट है जो यहाँ पे खेत में सांबा पुलिस ने रिकवर किया है, और इसको अगर थोड़ा सा अगर एनालाइज करें तो यही लगता है कि कोई किसी ऐसी वैसी घटना को अंजाम देने के लिए कोई साजिश रची गई हो, जो समय रहते सांबा पुलिस ने गंभीरता से इस सूचना को लेते हुए रिकवरी यहाँ पे की है। तो मैं बधाई देता हूँ अपनी टीम को, पुलिस टीम को, और धन्यवाद करता हूँ लोकल पब्लिक को, जिसके साथ समय समय पर हम अच्छी पब्लिक मीटिंग्स भी करते रहते हैं। एक लाइजनिंग का ये नतीजा है कि पब्लिक इतनी अवेयर है कि कब किसी सस्पेक्टेड चीज को देखें और पुलिस। तो ये एसएसपी सांबा जो है वो डिटेल्स दे रहे थे, जो सस्पेक्टेड जो आईडीज है वो रिकवर की गई है। मैं गौरव से कहूंगा कि गौरव अगर उस तरफ आपको दिखा पाए तो वो ये वो आईडी है जो रिकवर किया गया है। देखिए, ये स्टील आईडी वही है जो इससे पहले उधमपुर ब्लास्ट के जो आरोपी था असलम शेख उससे रिकवर की गई थी। उसके बाद जम्मू के फ्लाई मंडाल में जो ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग की गई थी उसमें भी यही जो कंसाइनमेंट है वो रिकवर किया गया था। और अब आप देखिए कि ये जो है असेंबल नहीं था, यानी कि इसके पॉइंट्स कॉन्टैक्ट किए जाने थे और उसके बाद इसे एक्टिवेट किया जाना था। बड़े आतंकी हमले को जो है वो सुरक्षा बलों ने विफल कर दिया। देखिए, उस तरफ जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा का इलाका है जहां से माना जा रहा है कि ड्रोन यहां पर आया होगा, ज्यादा डिस्टेंस यहां पर नहीं है और क्योंकि ये खेत खलिहान का इलाका है तो हैंडलर्स की तरफ से इस इलाके को चुना गया कि यहां पर ड्रॉपिंग की जाए और उसके बाद उसकी लोकेशन जो है वो साझा की जाए हैंडलर्स के पास। 5 लाख रुपए कैश का मिलना ठीक इस तरफ इशारा करता है कि हैंडलर को जो पैसे मुहैया करवाने थे और आतंकी गतिविधियों के लिए जो देश पैसे आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर टेरर फंडिंग पर पूरी तरह से लगाम लग चुकी है। अब पाकिस्तान से भारतीय करेंसी के पैसे जो है वो ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं। बिल्कुल गुरसिमरन, ये कितनी बड़ी साजिश है, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये तस्वीर अपने दर्शकों को गुरसिमरन एक बार दिखा दें कि कितनी बड़ी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है, भारतीय करेंसी जो कि ड्रोन पर गिराई, ड्रोन के जरिए गिराई गई थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बड़ी साजिश पहले बेनकाब हुई और उसके बाद नाकाम कर दिया गया। तो देखिये, पाक की साजिश को कैसे नाकाम किया गया, ड्रोन साजिश पर प्रहार हुआ है। 2 कैमरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए क्या क्या बरामद हुआ है, कैमरा 1 और कैमरा 2 से बड़ी साजिश नाकाम हुई है सांबा में।